हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ डॉन ऑन चोलनाटी के एपिसोड 4 को। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में टॉन और चॉन को जिम में दिखाया जाता है, जहां टॉन अपने साथ चॉन को जिम में लेकर आया होता है। चॉन उसे कहता है कि वो तो यहां पे हमेशा अकेले आया करता था, तो इस बार वो अपने साथ चॉन को क्यों लेकर आया। टॉन उसे कहता है कि वो चाहता है कि चॉन की भी बॉडी फिट रहे। उसकी बॉडी टॉन ने देखी है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तभी लोग उसे लड़की जैसा ट्रीट करते हैं। चॉन कहता है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे गे लड़के हैं जिनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी और फिट होती है। टॉन बोलता है कि वो बहाने ना बनाए या फिर वो सच में गे है। चॉन उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस ये कह रहा था। टॉन उसे बोलता है कि वो अपना मुंह बंद रखे और उसके साथ चले। वो चॉन को अपने साथ ले जाता है और उसे एक्सरसाइज दिखाने लगता है। फिर चॉन उन एक्सरसाइज को ट्राई करने लगता है, पर टॉन उसका हाथ होल्ड करके उसे हेल्प कर रहा होता है, और वो उसे होल्ड करके उसके करीब आकर बैठा होता है, जिससे चॉन की हालत खराब होने लगती है। और फिर वो टॉन को देखने लगता है और वो नर्वस हो जाता है, और चॉन को बहुत पसीने आ रहे होते हैं क्योंकि उसने बड़ी टी शर्ट पहनी होती है। तो टॉन उसका टी शर्ट टेक ऑफ करने लगता है और वो चॉन के करीब होता है, तो चॉन अगेन उसे देखने लगता है। आगे चॉन को लेट कर वेट्स उठानी होती है, तो टॉन उसके सर के पास ही खड़ा होता है और उसे हेल्प कर रहा होता है, और जिससे चॉन की हालत खराब हो जाती है। और वो उठकर बोलता है कि आज के लिए इतना ही काफी था और अब वो थक चुका है। पर फिर टॉन उसे साथ चलकर बात लेने को बोलता है, और ये बात सुनकर वो घबरा जाता है, और फिर वो दोनों शॉवर लेने जाते हैं। बट चॉन अब भी वहाँ कपड़ों में ही होता है और वो ना नहाने के बहाने करने लगता है, पर टॉन उसे कहता है कि वो इतने बहाने ना करे। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। चॉन ये सारी बातें पैंग को बताता है और पैंग उसे कुछ आइडियाज देती है। आगे वो टॉन के पास जाता है और टॉन उसे कहता है कि उसके बैक में बहुत पेन हो रहा है, तो वो आकर उसे मसाज दे। पर चॉन उसकी ये बातें सुनकर घबरा जाता है और वो टॉन के पास जाकर बैठता है, और वो काफी नर्वस होता है। तो टॉन उसे कहता है कि क्या उसे कुछ हुआ है। चॉन उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस उसके थाई में थोड़ा पेन है। तो टॉन उसे मसाज देने लगता है, जिससे चॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। बाहर वो खड़ा अपना फोन यूज कर रहा होता है, और जहाँ टॉन की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे बोलती है कि उसने उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। चॉन उसे कहता है कि वो उसे नहीं जानता, और वो जिसे नहीं जानता है उनके मैसेजेस का वो रिप्लाई नहीं करता, वो सिर्फ अपने फ्रेंड से ही बातें करता है। एम्प उसे बताती है कि वो टॉन की गर्लफ्रेंड है। चॉन उसे कहता है पर उसने मैसेज में बोला था कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। एम बोलती है क्योंकि टॉन उससे नाराज है, बट वो दोनों अब भी कपल है, तो चॉन को उसकी हेल्प करनी होगी और चॉन को उन दोनों को मिलाना होगा। चॉन कहता है पर टॉन ने उसे कहा था कि अब वो अकेले रहना चाहता है, और वैसे भी चॉन किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक सीनियर अनाउंस करता है कि सारे फ्रेशर्स को अपने नेम टैग पहन कर रहने हैं, वरना उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। तभी एक सीनियर जिसने चॉन की फोटो ली थी, वो चॉन की फोटो लेने लगता है, और चॉन लाइन में पैंग और ना के साथ खड़ा होता है। तभी एम्प वहाँ पे आती है और उस लड़के को बोलती है कि वो हमेशा चॉन की फोटो लेता रहता है, क्या वो उसे लाइक करता है। वो लड़का उसे यस बोलता है और कहता है कि चॉन सबसे क्यूट है। चॉन की गर्लफ्रेंड बोलती है पर अगर चॉन को लड़कों में इंटरेस्ट ना हुआ तो वो क्या करेगा। वो लड़का बोलता है कि वो यहाँ पे इतनी दूर से देखकर बता सकता है कि चॉन को लड़कों में ही इंटरेस्ट है। एम्प उसे कहती है तो वो जाकर उसे अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताता कि वो उसे लाइक करता है, वरना उसे कोई और लेकर चला जाएगा, और पूरे कैंप में ही सभी उसे लाइक करते हैं। तो वो सीनियर चॉन के पास जाता है और एक नेम टैग में ये लिख देता है कि चॉन उसका है, और वो ये बात अनाउंस भी कर देता है, और जिससे चॉन नर्वस हो जाता है। आगे हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टॉन इस बात से बहुत ही नाराज होता है और वो कहता है कि चॉन के नेम टैग पे ये सब किसने लिखा, और चॉन उसे उस लड़के का नाम बताए, पर ना उसे बोलता है कि वो शांत रहे क्योंकि पैंग के नेम टैग में भी किसी ने कुछ लिखा है। पर टॉन बोलता है कि चॉन के नेम टैग पे किसी लड़के ने लिखा है, और जो कि बहुत गलत है। आई कहता है कि टॉन चॉन के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहा है और वो ऐसा बिहेव कर रहा है,
जैसे कि जॉन उसका लवर हो और कोई उसके लवर को चुराना चाहता हो। डॉन उसे बोलता है कि वो पागलों जैसी बातें क्या कर रहा है। आई उसे बोलता है कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा मेनली लड़कों को भी एक दूसरे को डेट करते देखा है, और नाई उसके बात से अग्री करता है और आकर उसके करीब बैठ जाता है और उसके गालों को टच करने लगता है। आई कहता है कि क्या वो दोनों साथ में क्यूट नहीं लग रहे, पर टॉन उन दोनों को चुप रहने को बोलता है और वो चॉन से कहता है कि चॉन उसे उस लड़के के पास ले चले। आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ चॉन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है और वो सीनियर आकर उसे बोलता है कि उसने नेम टैग क्यों नहीं पहना, और ये कहकर वो उसके शोल्डर को टच करने लगता है। और तभी वहाँ पे टॉन आता है और वो उस लड़के को बहुत धमकाता है और कहता है कि वो ऐसी हरकतें अगली बार ना करे। चॉन कहता है कि सारे लोग उन्हें ही देख रहे हैं तो वो शांत रहे, पर तभी वहाँ पे एम भी आती है और वो भी ये सारी चीजें देखती है और वो लड़का चॉन का नाम गलत ले रहा होता है, तो टॉन उसे एक पंच मारता है और कहता है कि वो उसका नाम गलत ना ले, और अगर वो दोबारा उसका नाम गलत लेगा तो उसकी और ज्यादा पिटाई होगी। ये कहकर वो उस नेम टैग को फाड़ कर उसके ऊपर फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। फिर टॉन पैंग और ना को बोलता है कि वो लोग चॉन का ख्याल रखे, और अगर वो लड़का अगेन चॉन को परेशान करे तो वो लोग टॉन को ये बात बताए। ये कहकर टॉन वहाँ से चला जाता है। टॉन के जाने के बाद पैंग बोलती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि टॉन चॉन के लिए बहुत ही ज्यादा पजेसिव है, जैसे कि बॉयफ्रेंड्स होते हैं। पर ना कहता है कि वो बहुत पोलाइट है और चॉन उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाए, वो टॉन की तरह बिल्कुल भी रूट नहीं है। उसकी बातें सुनकर चॉन हंसने लगता है। आगे वो लोग कॉलेज में जा रहे होते हैं, तभी चॉन उन दोनों को बोलता है कि शायद वो अपना फोन घर पे भूल गया, और कहता है कि टॉन उसे जरूर कॉल करेगा, और अगर उसने टॉन का कॉल पिक नहीं किया तो वो बहुत गुस्सा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे वो घर पहुँचता है जहाँ नाई अपना लैपटॉप यूज कर रहा होता है और वो पीछे मुड़कर बैठा होता है, तो वो देखता नहीं कि वहाँ पे कौन है और वो कहता है कि वो उसे उसका फोन लाकर दे। चॉन उसे उसका फोन देने जाता है, नाई उसका फेस नहीं देखता तो उसे ऐसा लगता है कि वो आई है, और वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और तभी आई किचन से आता है और नाई चॉन को काउच पे देखकर डर जाता है। आगे आई और नाई चॉन को सारी बातें बताते हैं कि वो दोनों कपल हैं और वो फर्स्ट ईयर से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। चॉन उन दोनों को बोलता है तो क्या टॉन को इस बात का पता नहीं चला। आई और नाई कहते हैं कि टॉन बहुत बेवकूफ है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। चॉन कहता है कि उसे उन दोनों पे थोड़ा डाउट हुआ था जब वो यहाँ पे पहली बार आया था। आई कहता है कि मतलब वो भी उन दोनों जैसा है, पर चॉन कहता है कि ऐसा नहीं है और वो डर कर वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम पर जाता है और जहाँ आई और नाई चले आते हैं और कहते हैं कि चॉन अब उन दोनों का राज जान गया है, और कहते हैं कि वो सच सच बताए कि वो भी गे है, पर चॉन उनकी बातों से मना करता है। तो आई और नाई उसके करीब आने लगते हैं तो चॉन घबरा कर उन्हें बता देता है और वो कहता है कि वो उनके जैसा है। फिर आई और नाई बोलते हैं कि वो जरूर टॉन को लाइक करता है, पर चॉन इस बात से इनकार करता है और कहता है कि टॉन बस उसके बड़े भाई जैसा है। तो अगेन आई और नाई उसके करीब आने लगते हैं और चॉन उन्हें यस बोलता है और कहता है कि वो टॉन को बचपन से लव करता है। उसने इस कॉलेज में एडमिशन भी टॉन के लिए ही ली थी ताकि वो उसके करीब रह सके। आगे उन तीनों को मीरियम के साथ बैठे दिखाया जाता है। मीरियम आई और नाई को बोलती है कि उन दोनों को टॉन को बताना चाहिए कि वो दोनों कपल है और ये नया जमाना है और आज ये सब नॉर्मल है, और टॉन उन दोनों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा। और वो चॉन से कहती है कि उसे अपने प्यार का इजहार जाकर टॉन से करना चाहिए, अगर वो उसे एक्सेप्ट करे तो अच्छा है, ना किया तो वो दोनों फ्रेंड्स रह सकते हैं और चॉन अपने लिए किसी न्यू को ढूंढ सकता है। चॉन उसे बोलता है कि अगर वो गर्ल होता तो उसने कब का टॉन को ये बात बोल दिया होता कि वो उसे लव करता है, और अगर टॉन ने उसे एक्सेप्ट ना किया और वो दोनों दोबारा फ्रेंड्स ना बन पाए, और अगर टॉन उसे एक फ्रेंड जैसा एक्सेप्ट ना करे तो चॉन बिल्कुल टूट जाएगा। मीरियम उसे बोलती है कि वो सैड ना हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि टॉन उसे एक ना एक दिन जरूर एक्सेप्ट करेगा, भले ही उसके प्यार को करे या ना करे पर वो उसका फ्रेंड जरूर रहेगा। चॉन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। आई कहता है कि ये सारी चीजें उसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो नहीं जानती कि टॉन के पेरेंट्स कैसे हैं और वो कैसे फैमिली से बिलोंग करता है, और अगर वो कभी टॉन के डैड से मिलेगी तब वो ये बात को समझेगी। आगे चॉन अपनी मॉम को फोन करके कहता है कि टॉन
के डैड के बर्थडे की पार्टी है और टॉन ने उन्हें आने को कहा है, पर उसकी माम बोलती है कि उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है तो वो नहीं आएंगी। तो जॉन ये बात टॉन को बताता है, तो टॉन जॉन की माम को आने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी माम उसकी बात मान जाती है पर कहती है कि वो ये बात जॉन को ना कहे कि वो आ रही है। आगे हमें बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। टॉन अपने फैमिली के साथ सभी को वेलकम कर रहा होता है, तभी उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पे पहुँचते हैं। आई और नाई उसके डैड के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं और जॉन टॉन के डैड को बर्थडे विश करता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जॉन की फेस बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी है, तो टॉन उन्हें बताता है कि ये जॉन है जो कि उनके घर के पास रहा करता था। तो उसके डैड उसे पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि उनके साथ ये दो गर्ल्स कौन है, और पैंग और मीरियम भी साथ होते हैं। आई और नाई मीरियम को अपनी गर्लफ्रेंड बताने लगते हैं। टॉन कहता है कि ये दोनों मीरियम का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमें उन सभी को बैठे दिखाया जाता है, तभी वहाँ स्टेज पे कोई आकर परफॉर्म करने लगता है और वो जॉन की मॉम होती है। जॉन उन्हें देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसकी मॉम वहाँ पे गाने गा रही होती है। जॉन टॉन से कहता है कि ये बात टॉन ने उसे क्यों नहीं बताई। मीरियम आई और नाई से बोलती है कि उसे अब तक तो टॉन के डैड बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगे और वो तो बहुत ही अच्छे हैं, वो सारी चीजों को एंजॉय भी कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने लड़कियों वाले कपड़े भी पहने हैं, पर इस चीज से भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आई बोलता है कि वो देखती जाए और उसे धीरे धीरे सब पता चलेगा कि वो एक्चुअल में कैसे इंसान है। जॉन की मॉम टॉन के पेरेंट्स के पास जाकर बैठती है। टॉन के डैड उन्हें थैंक यू बोलते हैं कि उन लोगों ने अब तक उनके घर को संभाले रखा। फिर टॉन के पेरेंट्स अपनी बेटी को ये कहने लगते हैं कि उसकी शादी को कुछ साल हो चुका है पर अब तक बेबी नहीं हुआ, तो उन्हें पता नहीं कि इस घर का वारिस उन्हें कब मिलेगा। टॉन की दीदी बोलती है कि उनके बच्चे इस घर का वारिस नहीं होंगे बल्कि वो टॉन के बच्चे होंगे। टॉन के डैड टॉन से कहते हैं उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और इतना टाइम हो चुका है, वो अपने लिए न्यू गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाता। टॉन कहता है कि सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती और वैसे भी वो अभी सिंगल रहना चाहता है और वो ऐसे ही खुश है। और तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ होती है और वहाँ केक आता है। टॉन अपने डैड को केक के पास लेकर जाता है और टॉन के डैड कैंडल बुझाते हैं और वो सभी को थैंक यू बोलते हैं कि सभी उनके बर्थडे पे आए और इतनी अच्छी पार्टी अरेंज की गई। वहाँ पे जो होस्ट होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि उन्हें बर्थडे पे क्या कोई विश है या फिर वो कोई गिफ्ट चाहते हैं। टॉन के डैड कहते हैं कि उनके फैमिली ही उनके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है और अब वो बस इतना चाहते हैं कि उनके आसपास उनके 3-4 ग्रैंड चिल्ड्रन घूमे, और वो कहते हैं वो अपने फैमिली का वारिस चाहते हैं, पर टॉन की अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो ये बात अनाउंस कर रहे हैं कि उनका बेटा सिंगल है और कोई भी लड़की उनके बेटे को डेट कर सकती है। उनकी ये बातें सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और स्टेज पे दो लेडी बॉयज होते हैं जो टॉन को पकड़कर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि उन्हें टॉन बहुत ज्यादा पसंद है, पर टॉन के डैड कहते हैं कि वो दोनों गर्ल्स नहीं है और वो उनके वॉइस को जन्म नहीं दे सकती और उनके साथ रहने से टॉन के कभी भी बच्चे नहीं होंगे। टॉन के डैड की इस बात को सुनकर सभी हंसने लगते हैं और जॉन ये सारी बातें बैठा सुन रहा होता है। टॉन के डैड कहते हैं कि टॉन ज्यादा दिन तक सिंगल ना रहे, वो अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड जल्दी से ढूंढे, और ये सारी बातें सुनकर जॉन की रोनी जैसी हालत हो जाती है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और उसकी मॉम भी बैठी बहुत सैड होती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।